अपने मुद्दों को लेकर के गरीबों के हित के लिए और गरीब के पास जाएंगे, गरीब हमसे अगर कन्विंस हो जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे, हमारे तरफ आ जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री बने है। कोई पीएचडी चाहे मैट्रिक फेल ये सब का कोई योग्यता का कोई आधार नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसका उदाहरण है। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने कहाँ से आए, बहुत बड़े घर के तो नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। नीतीश कुमार क्या था, एक साधारण व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी क्या, एक बंधुआ मजदूर के बेटे, मतलब जनप्रतिनिधि है, पीएचडी है, और तो क्या संतोष सुमन का नाम नहीं आना चाहिए आगे सीएम कैंडिडेट के लिए, जैसा मांझी जी ने पहले भी कहा है। देखिए इसकी प्रतियोगिता तो कहीं नहीं शुरू हो गई है अंदर खाने में। देखिए मांझी जी ने जो बोला, एक पिता का उद्गार था, हर पिता अपने बच्चों के लिए भला चाहता है, बच्चों के लिए चाहता है कि अच्छा करे, और एक हर पिता का सपना होता है। आप भी अगर पिता होंगे बनेंगे तो आप भी अपने बच्चों के भविष्य की बात करेंगे, वो उनका अलग बात है। लेकिन मेरा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि लोकतंत्र सबके लिए खुला हुआ, आपके लिए भी खुला हुआ है, एक गरीब मजदूर है उसके लिए भी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है उसके लिए, सबको एक वोट देने का अधिकार है, और जनता तय करती है कौन मुख्यमंत्री बने है। कोई पीएचडी चाहे मैट्रिक फेल ये सब का कोई योग्यता का कोई आधार नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई रिटर्न परीक्षा नहीं होता है, जनता के बीच में जाना होता है, जनता को संतुष्ट करना होता है, जनता को अपने विचारों से और अपने उसूलों से, अपने विजन से, और आप किस मुद्दों को ले जाकर के जनता के बीच में जाते हैं, जनता आपको अगर मानती है तो आपको वोट देती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर हम अपने मुद्दों को लेकर के गरीबों के हित के लिए और गरीब के पास जाएंगे, गरीब हमसे अगर कन्विंस हो जाएंगे, हमारी बातों को मान लेंगे, हमारे तरफ आ जाएंगे, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसका उदाहरण है। आज लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने कहाँ से आए, बहुत बड़े घर के तो नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे। नीतीश कुमार क्या था, एक साधारण व्यक्ति थे। जीतन राम मांझी क्या, एक बंधुआ मजदूर के बेटा थे। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो कौन से बड़े थे, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको लोग मिटाना चाहता है। इसको लोग मिटाना चाहता है तो बाबा साहब का संविधान इतना कमजोर नहीं है, उनको निश्चित जवाब देगा। शोषित और वंचित की आवाज अब तक आप उठा रहे थे, आपके पास मंत्रालय भी था, अब आप सरकार से बाहर है, शोषित और वंचित समाज के लिए संतोष सुमन अब कैसे आवाज बुलंद करें। देखिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को, एक अहम जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी के बहुत पहले हमको समय नहीं मिलता था, अब तो मैं फ्री हूँ और मैं हमेशा कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। मैं कभी अपने आप को मंत्री नेता और इस तरह से नहीं प्रेजेंट किया हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया, और मैं जाके अपने लोगों के बीच में बैठ के खाना खाऊंगा, उनका दुख दर्द जानूंगा, उनका प्यार बांटूंगा, और उनमें विश्वास पैदा होगा, तो निश्चित तौर पर और हम मजबूत होंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा, और एक अच्छे विकल्प रूप में बिहार में हम लोग फिर से उभरेंगे, और अभी भी हैं और मजबूती से उभरेंगे, और ये जो उभार होगा उनको दिन में तारे नजर आएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।